तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, टॉपिक काफी डिफरेंट है, बोला जाए तो पूरा टाटा वसूल। इसको आप देख सकते हो अपने दोस्तों या दोस्तानियों के साथ। ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं मूवी को डायरेक्ट स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको मूवी का मेन कैरेक्टर केल दिखाया जाता है। केल जो कि वो अपने माता जी के साथ ही रहेगा। दरअसल केल की माता जी ही रखती हैं सबका ख्याल, क्योंकि केल के पिताजी हैं नल्ले बेरोजगार और केल की माता जी और पिताजी अलग अलग रहते हैं। केल अपने पिताजी से काफी प्यार करता है अपनी माता के तुलना में। केल अपने पापा से कहता है कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, पर पापा कहते हैं बेटा अपनी माँ को भी समय दो, अब तुमको अपनी पढ़ाई वहीं से करना है जहाँ पर तुम्हारी माँ रहती है। केल की एक बहन भी होती है जिसको एनिमी का भूत चढ़ा होता है, क्योंकि इसका बॉयफ्रेंड एनिमी का 14 होता है और इस लड़की का नाम होता है मैक्सी। देखो अब जितना केल अपने पिताजी से प्यार करता है उतना ही मैक्सी अपनी माता जी से प्यार करती है। केल कहता है देखो हमारे माता पिता अलग हो गए पर उन लोगों ने अभी तक डिवोर्स नहीं दिया एक दूसरे को, तो अभी भी उम्मीद है। और अब केल की एंट्री होती है उसके स्कूल में, जहाँ वो एक लड़के से पूछता है कि रूम नंबर 23 कहाँ पर है। दरअसल ये होती है केल की क्लास। तब ये लड़का जिसका नाम होता है ड्रेक, ये उसको रॉन्ग डायरेक्शन बताता है। जब केल उस तरफ जाता है तब केल की नजर एक खूबसूरत सी कन्या पर पड़ती है जिसका नाम होता है डैनी, जिसकी सुरीली आवाज सुनकर केल के अंदर का रोमियो जाग जाता है और वो उससे बात करेगा। पर उससे पहले उसको अपनी क्लास तक पहुंचना है, पर वो हो चुका है लेट। किन की वजह से? इन तीनों की वजह से। और क्लास छूटने के बाद केल डैनी से बात करने की कोशिश करता है, तभी LGBTQ कम्युनिटी का एक सदस्य यहाँ पर आ जाता है। ये होता है डैनी का दोस्त जिसका नाम होता है ब्रायन। ब्रायन कहता है कि ये मेरी दोस्त है, वो बात अलग है कि मैं बायसेक्सुअल हूँ पर मेरे अंदर ताकत मर्दों वाली है। यानी कि ब्रायन सीधा सीधा कह रहा कि इस लड़की से दूर रहना। और जब केल कैंटीन में खाना खाने जाता है तभी उसकी एक लड़के से दोस्ती हो जाती है जिसका नाम होता है लोनी, जिसको ड्रेक बुली करता है। केल कहता है इसको किस बात का घमंड है, ये क्यों इतना चौड़ा होता। तब लोनी बोलता है कि ड्रेक इसलिए चौड़ा होता क्योंकि वो है अपने स्कूल का एक काफी अच्छा आइस हॉकी प्लेयर, उसके पास एक खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड जिसके इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा फॉलोवर है। यानी कि वो ड्रीम लाइफ जी रहा जो कि हर लड़का स्कूल और कॉलेज में जाकर जीना चाहता है। और केल ट्रेक के निशाने पर था, वो लोनी को तो बुली कर ही रहा था, अब वो केल को भी बुली करना शुरू कर देता है। और ट्रेक और उसके दोस्त केल के फोन के साथ खेलने लगते हैं और केल के फोन की हत्या कर देते हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि केल इन तीनों का मुंह तोड़ देगा, पर यार इन लोगों का ये सब नहीं होता, ये सिर्फ बाहर से दिखने में मजबूत लगते हैं, इनके अंदर वो लड़ने वाला गोदा नहीं होता। अब केल जाता है एक नया फोन लेने जहाँ पर वो इस पाइनएप्पल से सॉरी इस आदमी से मिलता है। तो ये पाइनएप्पल मैन उससे कहता है तुमको क्या चाहिए, मेरे पास सब मिल जाएगा, मुझको मालूम है कि तुम काफी दुखी रहते हो, तुम्हारी जिंदगी काफी उदास चल रही है, ये लो ये वाला फोन, ये तुम्हारे काफी काम आएगा। केल कहता है इसमें ऐसा क्या है। तब ये आदमी कहता है कि ये फोन ले जाओ और इसमें तुम जो भी डालोगे वो तुम्हारे साथ होने लगेगा, यानी कि तुम कोई भी पर्सनालिटी बन सकते हो सिर्फ इस फोन में स्टेटस डालकर। और हमारी तरह केल को भी ऐसा लगता है कि ये पाइनएप्पल मैन कर रहा है बकवास, और जिस तरह की ये बातें कर रहा है लग रहा है इसके पास नहीं है दिमाग। पर केल जैसे ही अपने घर जाता है वो कहता है एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा, वो डालता है कि मेरे पापा अमीर हो जाए और वो हम लोग के साथ रहने लगे। और बूम, अगले दिन कुछ ऐसा ही होता है, केल के घर के बाहर खड़ी होती एक रेड कलर की खूबसूरत सी गाड़ी जो कि होती है केल के पिताजी की। और अब केल को ऐसा महसूस होता है कि उसको मिल चुका है कुबेर का खजाना, क्योंकि उसको अपनी जिंदगी में जो भी चाहिए वो सिर्फ है फोन को बताना यानी कि टाइप करना। अब हम सभी को मालूम कि केल पहले ही दिन डैनी के पीछे हो चुका था लट्टू, पर डैनी को है गाने का शौक, पर केल की आवाज ऐसी है जैसे कुत्ता राव भौंक। तो केल अपने फोन में डालता है कि मेरी आवाज एकदम बेहतरीन हो जाए। और यहाँ पर जब ऑडिशन चल रहे होते हैं तब केल इस टीचर से कहता है कि देखो अब मैं गा के सुनाऊंगा, पर जैसे ही केल गाना शुरू करता है उसकी आवाज बन जाती है फीमेल सिंगर की तरह और यहाँ पर सबको काफी हंसी आती है। अब ब्रायन उसके काफी मजे लेता है और अब केल एकदम घबरा जाता है कि ये तो मेरे भी उल्टा पड़ गया। और वो उसी पाइनएप्पल मैन के पास जाता है, वो कहता है अभी ये क्या चिरांद है, इससे तो मेरी जिंदगी और छंड हो रही। तभी पाइनएप्पल मैन बोलता है अबे सुन तू इसको चेंज भी कर सकता है, बस तुझको अपना स्टेटस अपडेट करना होगा। और अब केल कुछ ऐसा ही करता है, वो अपनी आवाज को कर लेता है ब्रूनो मार्स की तरह, ब्रूनो मार्स जो कि एक काफी फेमस सिंगर। और केल अपनी आवाज से यहाँ पर जादू बिखेर देता है। अब वैसे हम लोग हॉलीवुड की मूवी में गाने वगैरह इतना नहीं देखते क्योंकि हॉलीवुड की मूवी के हिसाब से वो कोई सेंस नहीं बनाते, पर ये मैंने पहली मूवी देखी जहाँ पर प्रॉपर गाना बज रहा है, बैकग्राउंड में डांसर नाच रहे हैं, फुल बॉलीवुड वाली वाइब। और जैसे बॉलीवुड में लड़की इम्प्रेस हो जाती यहाँ पर भी हो जाती, क्योंकि लड़कियों को क्या चाहिए, एक ऐसा लड़का जिसको सब चाहते हो पर वो तुमको चाहता हो, वो तुम्हारे साथ लॉयल रहे। पर वहीं अगर कोई दूसरा लड़का लोनी जैसा चाहे वो कितना भी अच्छा हो पर इन जैसे बेचारों को खास नहीं मिलती।
तो देखो अब डैनी तो हो चुकी है केल की, पक्की बात है, और इस पास से चल के ज्वालामुखी हो चुकी है ब्रायन की, और वो केल को लड़ने का चैलेंज देता है। पर उसको क्या मालूम कि केल के पास एक ऐसा फोन जिससे वो कुछ भी बन सकता है, खिलाड़ी, अनाड़ी या फिर डॉन। और केल यहाँ पर ब्रायन का कुत्ता बना देता है, और रात में जाता है डैनी के साथ डेट पर, जहाँ पर वो ले जाता है डैनी को बड़े से खेत पर, और उसके बाद वो नहीं होता जो हम उन्हें खेत का नाम सुन के सोच लिया। केल उसको अच्छी तरीके से घुमाता है, फिराता है, मतलब पूरी तरीके से इम्प्रेस कर देता। और केल की रोमांटिक बातें सुनकर डैनी केल से कहती है, मैं पानी पानी हो गई। और अब इस तरह की जिंदगी जीने में केल को काफी मजा आ रहा था। उसके पास अब सब कुछ था, और वो अपनी सिंगिंग की वजह से कॉलेज में काफी फेमस हो चुका था, पर वो ड्रेक जितना फेमस नहीं था। और अब केल सोचता है कि साला कुछ भी हो जाए, इस ट्रैक का घमंड तो मैं ही तोड़ूंगा। और वो चला जाता है आइस हॉकी की प्रैक्टिस में, और वो कोच से कहता है कि मैं ट्रैक की जगह छीन सकता हूँ क्योंकि मैं उस पोजीशन में काफी अच्छा खेलता हूँ। और केल को करना भी क्या है, बस अपने फोन में टाइप करके अपना स्टेटस अपडेट ही तो करना है। और अब केल हो जाता है और भी ज्यादा फेमस, ट्रैक के पिछवाड़े में खल जाती है लात, क्योंकि अब हर जगह हो रही थी बस केल 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 की ही बात। अब केल से हर कोई मिलना चाहता है, केल से हर कोई बात करना चाहता है, केल के हर कोई पास आना चाहता है। और इस पास से डैनी को थोड़ी बहुत चैलेंसी हो रही थी, और कल लोनी का बर्थडे था। केल कहता है कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा, पर तभी यहाँ पर इस स्कूल की सबसे फेमस लड़की उसको बुलाती है, जिसका नाम होता है शार्लेट। मतलब समझ रहे हो, ट्रैक की पॉपुलैरिटी गई और शार्लेट केल के पास आ गई, और वो केल को एक पार्टी में इनवाइट करती है। और केल अपने नए दोस्त को कैसे मना करता, और जब केल उस पार्टी में जाता है तो सभी लोग केल की वाहवाही करते हैं, और दूसरी तरफ बेचारा लोनी अपने माता पिता के साथ केल का इंतजार कर रहा होता है। लोनी के माता पिता को ऐसा लगता है कि लोनी का एक इतना फेमस लड़का दोस्त हो ही नहीं सकता, और लोनी को यहाँ पर केल के ऊपर काफी गुस्सा आ रही थी। और दूसरी तरफ शार्लेट केल के अंदर के जानवर को चखा रही थी, और वो केल को थोड़ी बहुत पिलाकर एक किसिंग वाली फोटो खींच लेती है और उसको अपलोड कर देती है अपने इंस्टा पर। और अगले दिन अब सभी को मालूम चल चुका है कि केल ने शार्लेट को किस किया, और केल की वो फोटो देखकर डैनी को भी काफी गुस्सा आता है, और लोनी भी उससे गुस्सा था। अब जो लोग उसके क्लोज थे वो उससे दूर जा चुके थे, और जो उससे एक टाइम पर दूर थे वो अब पास आ चुके थे, जैसे कि शार्लेट उसको अपने घर पर बुलाती है डिनर करने के लिए, जहाँ पर शार्लेट के माता पिता काफी खड़ूस टाइप के होते हैं, यानी कि उनको पैसे वैसे का घमंड होता है। तो अब केल अपने स्टेटस में लिखता है कि शार्लेट के माता पिता मुझसे काफी इम्प्रेस हो जाएं। और अब ऐसे ही कुछ होता है, पर अब उस स्टेटस की वजह से अब शार्लेट की माता जी केल के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती हैं, और अब वो बस केल के साथ संस्कारी रात बिताना चाहती हैं। और इसी पकड़म पकड़ाई में केल का फोन यहाँ पर टूट जाता है, और अब वो अपने फोन में कोई भी स्टेटस नहीं लगा सकता, और अब केल पूरी तरीके से घबरा जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, वो इन सब चीजों को बंद कैसे करे। वो यहाँ से भागकर उसी मॉल में जाता है जहाँ पर उस पाइनएप्पल मैन की दुकान थी, पर वो दुकान सिर्फ थी क्योंकि प्रेजेंट में वो दुकान यहाँ से हट चुकी है, और केल की पूरी तरीके से फट चुकी है कि आखिर वो अब सब कुछ कैसे बदलेगा। और अब उसके साथ सिर्फ प्रॉब्लम होती है, जब वो गाने की प्रैक्टिस करता है तब डैनी उसके साथ गाना गाना नहीं चाहती, लोनी उससे बात कर नहीं रहा, उसके घर में ही प्रॉब्लम हो रही है। दरअसल केल के पिताजी थोड़े आवारा टाइप के होते हैं, उनको नहीं है फैमिली की चिंता, उनको बस मतलब है अपना घूमने फिरने से, यानी कि अपना काम बनता बंगाल की सीएम ममता। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप। और अब केल को धीरे धीरे रियलाइज होता है कि उसके पापा से ज्यादा उसकी माँ उससे प्यार करती हैं। उसके पापा तो एकदम लापरवाह इंसान है, वो कभी चाहते ही नहीं थे कि केल उनके साथ रहे क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी नहीं है। और वो अपने पापा को भी समझाता है कि आप मेरे हीरो नहीं हो क्योंकि मैं आपकी सच्चाई जान चुका हूँ, आप बस हम लोगों से भागते हुए आ रहे हैं, आपने कभी हम लोगों की चिंता करी ही नहीं। अब देखो मूवी रोक कर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो बाहर के ज्यादातर देश होते ना, यहाँ पर ज्यादातर आदमी शादी के बाद अपनी फैमिली की इतनी चिंता नहीं करता, समझ रहे हो आप, मतलब बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाता, बच्चे लोग काफी जल्दी अलग हो जाते, यानी कि इनकी पारिवारिक जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती। बात तो सही है, पर अब केल के पास कोई और ऑप्शन तो था नहीं, वो सोचता है कि ठीक है जैसा भी है मैं अपने आप से ही सब कुछ सही करने की कोशिश करूंगा। तो वो पहले जाता है लोनी के घर, जहाँ पर केल को देखकर लोनी के माँ बाप एकदम चौंक जाते हैं, उनको लगता है कि लोनी ने उसको पैसे दिए होंगे यहाँ पर आने के लिए, पर केल कहता है नहीं वो सच में मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और लोनी के माता पिता काफी खुश होते हैं, और लोनी भी केल से दोबारा से दोस्ती कर लेता है। और इसके बाद केल स्कूल जाकर सबसे पहले मिलता है ड्रेक से, वो ड्रेक से कहता है कि यार देखो जो भी हुआ भूल जाओ, मैं इतना भी खराब लड़का नहीं हूँ। ड्रेक बोलता है कि अभी ज्यादा ज्ञानी का 14 मत बन, तूने मेरी पॉपुलैरिटी छीन ली, मेरी गर्लफ्रेंड छीन ली, मेरी स्कॉलरशिप छीन ली, मुझे आर्मी में जाना था वो सपना भी अधूरा रह गया। तब केल कहता है सब चीजों के लिए सॉरी, मैं आज सब कुछ सही कर दूंगा। और आज स्कूल में दो बड़े प्रोग्राम थे, पहला तो आइस हॉकी वाला और दूसरा सिंगिंग का, और दोनों में ही केल की उपस्थिति काफी इंपॉर्टेंट थी।
तो वो सबसे पहले होता है आइस हॉकी का मैच, जहाँ पर खेल जान बूझ कर हो जाता है इंजर्ड, और यहाँ पर ड्रेक को मौका मिल जाता है उसकी जगह पर खेलने के लिए। और अब रफ्तार में खेल वहाँ पर जाता है जहाँ पर इनके स्कूल का सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर सभी लोग खेल का इंतजार कर रहे थे। तभी खेल को रास्ते में ब्रायन रोक लेता है। खेल कहता है कि मुझको मालूम है तुम पूरी तरीके से गे हो, और ये कोई गलत बात नहीं है, तुम मर्द बनने की कोशिश मत करो, जो तुम हो वही बन के रहो। और ब्रायन को काफी अच्छा लगता है, और यहाँ पर केल की ब्रायन से भी दोस्ती हो जाती। और अब यहाँ पर केल और डैनी माहौल बना देते हैं अपने खूबसूरत सॉन्ग के जरिए, पर डैनी अभी भी केल से गुस्सा थी। पर तभी केल अपना फोन चेक करता है, जहाँ पर उसके सामने एक ऑप्शन आता है कि वो इस फोन में जो ऐप था जिससे वो स्टेटस चेंज करके अपनी जिंदगी बदलता था, वो उसको डिलीट कर सकता है। और केल हंसी खुशी इस ऐप को डिलीट कर देता है। और वो जैसे ही बाहर जाता है, बाहर उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि काफी प्राउड थी कि केल ने कितना अच्छा गाना गाया। वहाँ पर केल के पापा भी होते हैं, जो कि अब चाहते हैं एक जिम्मेदार आदमी बनना, और वो अब शहर जा रहे हैं जॉब की तलाश में। ये बात है। और जब अगले दिन केल अपने स्कूल जाता है, तो अब सब कुछ सही हो चुका है। लोनी को मिल चुकी है गर्लफ्रेंड, ड्रेक से हो चुकी है केल की दोस्ती, और अब डैनी भी उससे कितना दूर भागेगी, प्यार तो वो उससे करती है। तब इन दोनों के बीच में जो भी समस्या थी वो दूर हो जाती है, और केल डैनी को पूरे स्कूल के सामने खुले में किस करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकता। पर ऐसा आप कभी ट्राई मत करना, क्योंकि हमारे स्कूल में ऐसा कभी नहीं हो सकता। और इसी ज्ञान की बात के साथ यहीं पर ये मूवी हो जाती है समाप्त, इंग्लिश में बोला जाए तो द एंड हो जाती है। इस मूवी से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के टॉप पर या टेलीग्राम पर भी। अगर आपके पास भी ऐसा एक ऐप होता, पर आपके पास सिर्फ एक ही बार चांस है कि आप जो भी यहाँ पर टाइप करोगे वही होगा, तो आप ऐसा इसमें क्या टाइप करते जो आप हमेशा से अपनी जिंदगी में पाना चाहते हो, कमेंट में जरूर बताना। जिसका कमेंट होगा सबसे बढ़िया, उसके कमेंट को मैं जरूर पिन करूंगा।